है एवरी वन वेलकम बैक वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन नोट सीरीज एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राफ क्यूएल एल ठीक है तो येस दिस वॉज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो तो हर दूसरा कमेंट होता था दैट ग्राफ क्यूएल के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो ये वीडियो एक पूरा क्रैश कोर्स होने वाला है ग्राफ क्यूएल के ऊपर हम समझेंगे ग्राफ क्यूएल होता क्या है GraphQL कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं एंड किस तरह से हम नोट जिसके अंदर एक GraphQL सर्वर बना सकते हैं ठीक है तो यू कैन सी दैट ऑन माय स्क्रीन दैट GraphQL क्या होता है ठीक है तो ये उसका होम पेज है ठीक है तो यहाँ से तुम्हें एक छोटा सा आइडिया लग रहा होगा दैट एक क्वेरी लैंग्वेज है बट हम डायरेक्टली इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे डायरेक्टली इसकी टेक्निकल्स में नहीं जाएंगे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम है जो ग्राफ क्यूएल सॉल्व करता है ठीक है प्रॉब्लम को समझते हैं एंड मैं ज्यूम करूंगा दैट तुम्हें सिंपल नोट जेस के अंदर एक हेलो वर्ल्ड तो लिखना आता है ठीक है तुम्हें नोट जेस के अंदर सिंपल बस एक एपीआई रिक्वेस्ट के बारे में पता है दैट एक सिंपल रेस्ट एपीआई क्या होता है ठीक है तो पहले बात करते हैं रेस्ट एपीआई की ठीक है तो लेट अस से दैट हम पहले बात कर रहे हैं रेस्ट एपीआई की तो रेस्ट एपीआई के केस में क्या होता है लेट अस से दैट हमारे पास एक यूजर है ठीक है तो ये क्या है ये हमारा एक क्लाइंट है सो so, ये हमारा हो गया क्लाइंट एंड क्लाइंट के साथ हमारे पास क्या होता है एक सर्वर ठीक है तो लेटर से दैट हमारे पास ये क्या है ये एक सर्वर है तो दिस इज अ अट जेस सर्वर तो इसको हम बोलते हैं दैट ये एक नोट जेस का सर्वर है अब हम बेसिकली क्या करते हैं लेटर से दैट ये एक नोट जेस का सर्वर है इसके अंदर कुछ ए पे एंड पॉइंट्स बने हुए हैं राइट तो अब लेट से दैट यूजर को कुछ रिसोर्स गेट करना है बहुत सिंपल है तो यूजर क्या करेगा लेटर से दैट यूजर ने क्या किया एक गेट रिक्वेस्ट बनाई ठीक है तो यूज़र ने क्या किया होगा एक गेट रिक्वेस्ट बनाई होगी ठीक है तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं तो यूज़र ने क्या किया गेट रिक्वेस्ट बनाई लेटर से स्लैश टू डूज़ के ऊपर तो इससे क्या हुआ बेसिकली तुम क्या कर रहे हो एज अ क्लाइंट तुम एक रिक्वेस्ट बना रहे हो अपने नोट जे सर्वर के ऊपर स्लैश टू डूज़ एंड हमारे सर्वर ने क्या किया इसको सारे के सारे टू डूज़ रिटर्न कर दिए ठीक है इसको सारे के सारे टू डूज़ क्या कर दिए रिटर्न अब एक काम करते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम को समझते हैं हमें क्या मिला हमने सभी के सभी टू डूज़ को गेट कर लिया ठीक है अब टू टूडूज़ कैसा दिखता होगा ठीक है अगर मैं टू डू का एक स्ट्रक्चर देखूँ तो एक टू डू कैसा दिखता होगा तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर एक काम करते हैं यहाँ पर मैं जेसन प्लेस होल्डर ओपन करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर प्रैक्टिकल uh, एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो यू विल सी दैट हमारे पास ये एक ए पी आई है तो इसको कॉपी करते हैं एंड इसको हम यहाँ पर करते हैं पेस्ट ठीक है तो यू विल सी दैट हमारा जो टू टूडूज़ है वो किस तरीके का दिख रहा है uh, हमने गलत चीज़ कॉपी की क्या तो इसको हम करेंगे कॉपी एंड इसको मैं यहाँ पर पे करूँगा पेस्ट तो ये हमारे वो टू डूज हैं राइट तो हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास एक तो आ रही है यूज़र आई ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास एक आ रही है यूज़र आई एंड हमारे पास टू डू की एक आई आ रही है ठीक है हमारे पास एक टाइटल आ रहा है ओके एंड हमारे पास आ रहा है कंप्लीटेड ट्रू या फॉल्स तो कंप्लीटेड ट्रू और फॉल्स ठीक है तो बेसिकली क्या हुआ होगा ध्यान से देखना जब हमने ये रिक्वेस्ट बनाई ठीक है जब हमने ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट बनाई तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से गई ओके एंड इन रिटर्न हमारे पास एरे ऑफ टू डूज़ आ गए एंड हर टू डू के अंदर कितनी कीज हैं चार कीज हैं दैट इज़ आई डी यूज़र आई डी टाइटल एंड कंप्लीटेड ठीक है अब लेटर से दैट मैं क्या चाहता हूँ देखो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी नंबर वन नंबर वन प्रॉब्लम क्या है लेटर से मैं क्या चाहता हूँ दैट जो यू जो टू डूज़ मेरे पास रिटर्न हुए मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका टाइटल चाहिए है ना तो ठीक है तो तुम फ्रंट एंड पे क्या करोगे इन सब चीज़ों को तुम कर दोगे इग्नोर तुम टाइटल को ले लोगे लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई दैट तुमने ये इतनी सारी चीज़ें जो ये वाली चीज़ है और जो ये वाली चीज़ है जो हमको चाहिए ही नहीं थी तुमने इसको फिर फेच ही क्यों किया तुम बात समझो ना तुमने सर्वर को बोला दैट मुझे सारे टू टूडूज़ चाहिए सर्वर ने तुम्हें सारे टूडूस ला के दे दिए लेकिन फ्रंट एंड कहता दैट मुझे तो सिर्फ टाइटल को ही डिस्प्ले करना है फ्रंट एंड पे तो ये मतलब क्या हो सकता है देखो इन इन रियल वर्ल्ड और भी बहुत सारी कीज हो सकती हैं राइट और भी बहुत सारी कीज होंगी जैसे ये कब क्रिएट हुआ किसने क्रिएट किया ठीक है एंड इसके ऊपर कितने व्यूज़ हैं तो ये सारी चीज़ें हम फैच ही क्यों कर रहे हैं राइट इससे क्या हो रहा है तुम्हारी बैंड वेस्ट हो रही है तुम बात समझ रहे हो तुम नेटवर्क के ऊपर कितना फालतू का डेटा ट्रांसफर कर रहे हो जो तुम्हारे क्लाइंट को रिक्वायर्ड ही नहीं है लेटेस से दैट हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं ठीक है हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं लेटस्ट से ये क्लाइंट कहता है दैट मुझे ना सारे टू टूडोज की बस आई चाहिए ठीक है लेटर से ये क्लाइंट क्या कहता है दैट मुझे ना टाइटल चाहिए और मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए दैट ये किस यूजर ने बनाया उसका नेम भी चाहिए ठीक है उसके बाद ये यूजर कहता है दैट मुझे तो सिर्फ और सिर्फ वो टू टूडो चाहिए जो कंप्लीटेड है जब तीनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है तो हम तीनों को सेम पूरा का पूरा डेटा उठा के दे देते हैं तो उससे क्या होता है हमारे नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट होती है मानते हो बात हम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डेटा नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर करते हैं ठीक है दिस वॉज फर्स्ट प्रॉब्लम तो पहली प्रॉब्लम क्या आती है दैट हमारा जो डेटा है वेस्ट हो रहा है सेकेंड प्रॉब्लम समझते हैं यहाँ पर ठीक है तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या आती है लेट अस से दैट मैं क्या चाहता हूँ मैं हर यूजर मैं हर टू डू के सामने दिखाना चाहता हूँ दैट वो किस यूजर ने बनाया ठीक है तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे हर यूज़र के अंदर एक यूज़र आई है ठीक है लेकिन मुझे इस यूज़र का नाम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे एक सेपरेट कॉल करनी पड़ेगी तो अगर मैं यहां पर जाता हूं जेसन प्लेस होल्डर स्लैश यूज़र्स के ऊपर तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा इस यूज़र के लिए मुझे एक सेपरेट कॉल करनी पड़ेगी जिससे मैं उस यूज़र की डेटा इन्फॉर्मेशन को फेच कर सकता हूं ठीक है तो यानी कि अगर मैं यहां पर इसको बनाता हूं तो जब मेरे पास टूडोज़ आ गए सारे तो मैं देखूंगा हर टूडो की यूज़र आई क्या है एंड उसके बाद फिर से एक कॉल करूंगा स्लैश यूज़र स्लैश लेटर से जो भी आई डी बांधती एंड इन रिटर्न मुझे क्या मिलेगा मुझे पूरा का पूरा यूज़र मिल जाएगा ठीक है एंड अगर तुम यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से यूज़र देखोगे तो यार यूज़र में कितनी फालतू की चीज़ें हैं एड्रेस है राइट फ़ोन है वेबसाइट right? है कंपनी है, है अरे मुझे तो सिंपल यूज़र का फर्स्ट मतलब यूज़र का नेम दिखाना है है ना तो मुझे इतनी फालतू चीज़ों की जरूरत है नहीं है लेकिन इस केस में क्या होगा तुम पूरा का पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट रिटर्न करोगे तो देखो एक छोटी सी चीज़ मतलब लेटेस्ट है तुमने अपने फ्रंट एंड पे ना तुम्हारा ये जो फ्रंट एंड है तुम्हें क्या करना था तुम्हें यहाँ पर एक तो टाइटल दिखाना था ठीक है टाइटल एंड यहाँ पर तुम्हें यूज़र का नेम दिखाना था ठीक है सिर्फ दो चीज़ें दिखानी थी लेकिन हुआ क्या इस दो चीज़ों को दिखाने के लिए तुमने दो ए कॉल्स की अलग अलग ठीक है इसका मतलब क्या तुम्हारा टाइम ज़्यादा लगेगा पहले टू डूज को फेच करो उसके बाद यूज़र्स को फेच करो एंड उसके बाद तुमने क्या किया तुम्हारे पास कितनी फालतू की चीज़ें भी आई तो मतलब कि होगा क्या बड़े एप्लीकेशन में तुम्हारा एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज नहीं है तुम क्या कर रहे हो तुम बहुत फालतू का डेटा फेच कर रहे हो यूजर की मेमोरी यूज कर रहे हो और तुम एक ही चीज़ को एक सिंपल सी चीज़ को करने के लिए दो अलग अलग एपीआई कॉल्स कर रहे हो एंड ये तो सिर्फ एक डमी एग्जाम्पल है रियल वर्ल्ड में और भी बहुत कुछ हो सकता है राइट किसने कंप्लीट किया कब कंप्लीट हुआ तो तुम्हें बहुत सारी मल्टीपल बैक एंड फोर्थ रिक्वेस्ट बनानी पड़ सकती है तो रेस्ट एपीआई के अंदर ये प्रॉब्लम है तो आई होप दैट तुम्हें प्रॉब्लम तो समझ आ गई दैट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है तो ग्राफ क्यूएल क्या कहता है ग्राफ क्यूएल बोलता है दैट इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो ग्राफ क्यूएल कहता है पहली कि जब भी तुम्हें कोई ग्राफ क्यूएल रिक्वेस्ट करनी है ठीक है रेस्ट ए रिक्वेस्ट नहीं जब भी तुम्हें ग्राफ क्यूएल के थ्रू डेटा मंगवाना है क्लाइंट स्पेसिफाई करेगा दैट उसको क्या डेटा चाहिए देखो अगर तुम यहाँ पर यहाँ से देखोगे तो जो भी डेटा तुम मांगोगे तुम्हें वही डेटा मिलेगा लेटा से तुम्हें हीरो नेम फ्रेंड्स नेम चाहिए तुम्हें वही डेटा मिलेगा पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो मतलब कि अगर मुझे ये सारी चीज़ ग्राफिकल में करनी होगी ना तो मैं क्या बोलूँगा अपने ग्राफिकल सर्वर को कि भाई मेरे सर्वर मुझे ना क्या चाहिए मुझे टू डू चाहिए ठीक है थीके? तो कुछ ऐसा दिखेगा कि मुझे ना टू डू चाहिए ठीक है थीके? मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा दैट मुझे टू डूस के अंदर क्या क्या फ़ील चाहिए मुझे टूडूज़ का टाइटल चाहिए ठीक है मुझे टूडोज़ का, टू का क्या चाहिए टाइटल इस रिक्वेस्ट को जब मैं अपने सर्वर को दूंगा ठीक है मैं अपने सर्वर को दूंगा तो सर्वर जो मेरा ग्राफिकल सर्वर है वो देखेगा दैट इसको सिर्फ टाइटल चाहिए एंड इन रिटर्न मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ टाइटल आएगा बाकी सारी फ़ालतू की चीज़ें नहीं आएंगी तो ये बात तो क्लियर है तो यानी कि मान लो मुझे आई भी चाहिए मैं यहाँ पर आई डी कर दूंगा तो मेरे पास आई भी आने लग जाएगी तो पहली चीज़ क्लियर है दैट जो भी मुझे चाहिए वही चीज़ हमारे पास रिटर्न होकर आएगी इससे क्या होता है मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है दैट मेरे पास फालतू का डेटा फ्रंट एंड पे नहीं आ रहा सेकेंड प्रॉब्लम क्या है दैट हमें यहाँ पर दो अलग अलग एपीआई कॉल्स करनी पड़ रही थी फॉर द यूज़र इसमें मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ देखना ध्यान से यहाँ पर मैं एक नेस्टेड क्वेरी बना सकता हूँ कैसे मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दैट टू टूडूस के केस में मुझे ना एक तो टाइटल चाहिए ठीक है एंड मुझे इस यूज़र का जिसने भी टू डू बनाया इस यूज़र का नेम चाहिए ठीक है इस यूज़र का क्या चाहिए नेम चाहिए दैट्स इट अब जब ये क्वेरी जब ये पूरा जो ये क्वेरी ही बनाया जब ये सर्वर के पास आएगा तो तुम्हारे पास रिस्पांस पता कुछ कैसा आएगा अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ओपन करता हूँ लेटस से तुम्हारे पास रिस्पांस आएगा दैट एक टू डू आएगा ठीक है उस टू डू के अंदर सिर्फ टाइटल होगा और टाइटल के अंदर एक यूज़र होगा एंड इस यूज़र का सिर्फ और सिर्फ नेम होगा एक सिंगल क्वेरी में मैंने अपना पूरा डेटा फेच कर लिया और उतना ही डेटा फेच किया जितना मुझे चाहिए था राइट तो दिस इज़ द पावर ऑफ ग्राफ क्यूएल ठीक है तो आई होप तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ आ गई होगी दैट ग्राफ क्यूएल किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अब हम एक काम करते हैं नोट जेस एंड रिएक्ट को यूज़ करके इस चीज़ को कोड करके भी देख लेते हैं ठीक है ठीक है तो इस चीज़ को कोड करते हैं तो बहुत सिंपल है ठीक है कुछ भी टेक्निकल नहीं है तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ ठीक है तो सी डी करेंगे कोडिंग फोल्डर के अंदर तो यहाँ पर मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ इसको मैं बोलूंगा ग्राफ क्यूएल ट्यूटोरियल एंड सी डी इन ग्राफ क्यूएल ट्यूटोरियल ठीक है थोड़ा जूम इन कर देता हूँ जूम इन ठीक है एंड यहाँ पर हम करते हैं कोड डॉट ठीक है तो बहुत सिंपल है कुछ भी खास नहीं है तो यहाँ पर मैं दो फोल्डर बना लेता हूँ एक बना लेता हूँ सर्वर के लिए और एक मैं बना लेता हूँ क्लाइंट के लिए क्लाइंट के अंदर हमारा रिएक्ट का कोड जाएगा एंड बैक एंड हमारा किस में रहेगा क्राफ्टअल के अंदर ठीक है तो बैक एंड को पहले सेटअप कर लेते हैं तो सी डी सर्वर कर लो तो यहाँ पर हम पहले कर लेते हैं यान इनिट तो यान इनिट कर लेते हैं तो यान इनिट से क्या होगा मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो यान एड एक्सप्रेस ठीक है एक्सप्रेस को ऐड कर लो एंड ग्राफिकल सर्वर बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं अपोलो ठीक है Apollo, तो अपोलो क्या Apollo एक, 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 आ, है अपोलो बेसिकली एक फ्रेमवर्क है ठीक है अपोलो जिसके साथ हम ग्राफिकल सर्वर रन कर सकते हैं तो यहाँ पर हम जाएंगे डेवलपर्स डेवलपर्स के अंदर हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ठीक है तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें बस क्या करना है अपोलो सर्वर को सेटअप करना है ठीक है अपोलो सर्वर एंड अपोलो सर्वर सेटअप करना बहुत 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 ईजी है तो गेट स्टार्टड तो यहाँ पर हमें बस करना क्या है हमें यहाँ पर इन दो चीज़ों को इंस्टॉल करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैं बोलूँगा यान एड अपोलो सर्वर एंड ग्राफक्अल ठीक है तो इससे क्या होगा मेरा ग्राफिक्यूअल सर्वर सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है एंड यहाँ पर हमें एक दो चीज़ें और इंस्टॉल करनी होंगी ठीक है तो यहाँ पर एक तो हमें बॉडी पार्सर लगाना है तो यान एड बॉडी पार्सर ठीक है बॉडी पार्सर एंड हम यहाँ पर कॉर्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं मेन वाइल यहाँ पर एक इंडेक्स डॉट जी एस वाइल बनाते हैं एंड इसके अंदर हम अपना सर्वर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है तो पहले कॉस्ट एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वायर एक्सप्रेस ठीक है तो ये हमारा एक्सप्रेस बन गया उसके बाद कॉस्ट कॉस्ट समथिंग इक्वल्स रिक्वायर एंड यहाँ पर मैं ले लूंगा अपना अपोलो सर्वर ठीक है अपोलो सर्वर के अंदर हम क्या इंपोर्ट करेंगे अपोलो सर्वर ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर बॉडी पार्सर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं बॉडी पार्सर इक्वल्स रिक्वायर एंड ये मेरा आ गया बॉडी पार्सर एंड उसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉन्स्ट कॉर्स इक्वल्स रिक्वायर एंड हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉर्स बहुत बढ़िया एंड यहाँ पर हमें एक और चीज़ इम्पोर्ट करनी होगी कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स रिक्वायर एंड इसके अंदर मुझे चाहिए होगा एट द रेट अपोलो सर्वर स्लैश इसके अंदर हमारे पास एक प्लग इन नॉट प्लग इन एक्सप्रेस फोर ठीक है एंड दैट इट ठीक है तो यहाँ पर हम एक्सप्रेस मिडलवेयर को भी इम्पोर्ट कर लेंगे ठीक है अब देखो हमें क्या करना है हमें यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं ठीक है एक एसिंक रोनस फंक्शन बना लेते हैं एसिंक फंक्शन एंड इसको मैं बोलूँगा स्टार्ट सर्वर ठीक है कुछ भी एक फंक्शन है तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं पहले एक ऐप बना लेते हैं जो कि क्या होगा एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन होगा नॉर्मल स्टफ जैसे हम तक अभी तक करते आ रहे हैं एंड सिमिलरली एक सर्वर बना लेते हैं अपोलो सर्वर का ठीक है तो ये सर्वर हो क्या होगा न्यू अपोलो सर्वर ठीक है एंड इसके अंदर हम अपनी कॉन्फिगरेशन दे सकते हैं ठीक है तो कॉन्फिगरेशन में बताऊँगा क्या होता है ठीक है उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है हम यहाँ पर मिडल तो यूज कर लेते हैं तो ऐप डॉट यूज़ बॉडी पार्सर डॉट जीसन ठीक है उसके बाद एप डॉट यूज़ एंड इसके अंदर हम अपने कोर्स को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एंड फिर लास्ट में एप डॉट यूज़ एंड यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट ग्राफ क्यूएल स्लेश ग्राफ क्यूअल एंड पॉइंट पर आती है तो उसको कौन हैंडल करेगा मैं यहाँ पर बोलूँगा एक्सप्रेस मिडलवेयर एंड मैं अपना सर्वर यहाँ पर पास कर दूंगा ठीक है तो क्या हुआ यहाँ पर ध्यान से देखते हैं मैंने क्या बोला यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर हमें करना है सर्वर डॉट स्टार्ट एंड इसको हमें अवेट भी करना होगा तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ दैट एक्सप्रेस बनाया ठीक है सर्वर बनाया ठीक है हमारे मिडल वेयर आए मैंने मैंने ग्राफिकल सर्वर को स्टार्ट किया एंड मैंने बोला कि यार अगर कोई भी रिक्वेस्ट ठीक है सिंपल एच अगर कोई भी स्लैश ग्राफिकल पे आती है तो उसको एक ग्राफिकल सर्वर हैंडल करेगा ठीक है एंड फाइनली हम बोल सकते हैं आप डॉट लेसन ठीक है आप डॉट लेसन पोर्ट एट रख लेते हैं ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली कंसोल डॉट लॉग एंड इसको मैं क्या बोल सकता हूँ सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट एट थाउजेंड ठीक है एंड दैट्स इट तो बाहर हम इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं स्टार्ट सर्वर को ठीक है स्टार्ट सर्वर जो हमने बनाया अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जी एस तो यू विल सी दैट हमारे पास एक एरर आ गया ठीक है तो एरर देख लेते हैं क्या एरर आ गया येस uh, yes. तो एरर क्या आया बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम डायरेक्टली सर्वर को स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर हमें टाइप डेफिनेशंस एंड हमें यहाँ पर क्वेरीज uh, देनी होती है रिजॉलवर्स uh, resol देने होते हैं तो इसका मतलब क्या है देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर अब ग्राफ क्यूएल का यूज़ कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ग्राफ क्यूएल का यूज़ करने के लिए ग्राफ क्यूएल के सर्वर को पता होना चाहिए दैट तुम क्या क्या ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करोगे ठीक है जैसे तुम एक्सप्रेस के अंदर राउट्स बनाते हो इसके अंदर हम क्या करते हैं हम इसके अंदर स्कीमास बनाते हैं ठीक है थीके? तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो एक तो तुम्हें यहाँ पर रिजॉल्वर्स देने कम्पल्सरी हैं एंड यहाँ पर एक टाइप डेफिनेशंस देनी कंपलसरी होती है ठीक है इसका क्या मतलब तो एक काम करते हैं टू डू वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं ठीक है हम अपने टू डू वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं तो देखो अगर मैं यहाँ पर टू टूडूस देखता हूँ तो इस टू डू का स्कीमा क्या है एक यूज़र आई है जिसका टाइप क्या है नंबर एक आई है जिसका टाइप क्या है नंबर टाइटल है जो स्ट्रिंग है एंड एक कंप्लीटेड है जो बुलियन है तो ये टाइप हमें अपने ग्राफिकल सर्वर को देना कंपलसरी होता है कैसे मैं देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ टाइप डेफिनेशन क्या होता है एक स्ट्रिंग होता है ठीक है एक सिंपल एक स्ट्रिंग होता है इस स्ट्रिंग के अंदर मैं देखो क्या बोलूँगा मैं यहाँ पे एक टाइप बनाता हूँ ठीक है एक टाइप एंड इस टाइप का हम नाम दे देते हैं टू डू ठीक है कुछ भी मतलब कुछ भी वो नहीं कर रहा ठीक है सिंपल टाइप टू डू एंड इस टू डू के ऊपर देखना मैं क्या करता हूँ मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ तो इस टूडो में के अंदर हमारे पास क्या है यूज़र आई को छोड़ देते हैं अभी के लिए हमारे पास एक आई है हर टू डू की एक आई है जिसका टाइप नंबर है या फिर हम इसको आई भी बोल सकते हैं ठीक है आई डी कैन भी एनी ठीक है हम इसको यहाँ पे इंटीजर भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद हमारे पास एक टाइटल है ठीक है टाइटल स्ट्रिंग एंड अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता हूँ इसका मतलब होता है दैट ये रिक्वायर्ड फील्ड है मतलब ये होगा ही होगा या फिर हम इसको कह सकते हैं नॉन नल फील्ड है ठीक है टाइटल है एंड उसके बाद हमारे पास क्या है कम्प्लीटेड ठीक है हमारे पास क्या है कम्पलीटेड एंड ये कंप्लीटेड क्या होगा कम्प्लीटेड होगा एक बुलियन ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है तो यूज़र को मैं अभी इम्पोर्ट नहीं कर रहा हूँ यूज़र को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसका मैं रीज़न तुम्हें मैं एक मिनट में बताऊँगा तो ये हमारा एक टू डू बन गया ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर एक टाइप बनाएंगे क्वेरी ठीक है ये इंपॉर्टेंट होता है क्वेरी क्या होता है देखो अगर तुम्हें ग्राफक्ल के सर्वर से कुछ भी फेच करना है तो तुम क्वेरी करते हो अगर तुम्हें अपने ग्राफक्ल सर्वर को कुछ भी देना है तो तुम क्या करते हो म्यूटेशन करते हो तो हमारे इस केस में क्या होगा हमें एक टू डूज़ को फेच करना है क्लाइंट साइड पर लेकर आना है तो हम यहाँ पर क्वेरी बनाएंगे तो यहाँ पर एक क्वेरी स्पेसिफाई करते हैं दैट यूजर एक क्वेरी कर सकता है दैट इज़ गेट टू डूज़ जो क्या करेगा टू डू का एक एरे रिटर्न करेगा क्या तुम्हें बात समझ आई मैं यहाँ पे लॉजिक नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ क्राफ्टअल सर्वर को बता रहा हूँ दैट भाई एक क्वेरी हो सकती है गेट टू डूज़ करके एंड इसमें हमने टू डूज़ का एक एरे दे देंगे ठीक है अगर मैं इसको रन करूँगा अभी देखना क्या होगा यहाँ पर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है ठीक है तो एरर क्या आ रहा है कि ये बुलियन होता है ठीक है नॉट बुलियन इसको बुलियन कहते हैं ठीक है, है? दोबारा स्टार्ट करते हैं तो अभी सर्वर मेरा स्टार्ट हो गया अब तुम कहोगे यार मतलब हमने तो सिर्फ अभी तक स्ट्रिंग में ये मतलब एक टाइप दिया है हमने इसका कोई भी रिजॉल्वर नहीं लिखा हमने कोई भी लॉजिकल फंक्शन नहीं लिखा कोई बात नहीं अब एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोकल होस्ट आ, थ्री थ्री थाउजेंड लोकल होस्ट एट थाउजेंड ओपन करते हैं लोकल होस्ट एट थाउजेंड स्लैश क्राफ्ट के जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा यू विल सी दैट हमारे पास पूरा एक यू आई है राइट तो इसको एक मिनट के लिए हटा देते हैं तो यू कैन सी दैट हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया यू आई है ठीक है तो ये कैसे आ रहा है ये अपोलो कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेरी है गेट टू डूज़ ठीक है तो गेट टू डूज़ की क्वेरी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ देखना ध्यान से क्वेरी ठीक है गेट ऑल टू डूज मेरी क्वेरी का कुछ भी नेम इसके अंदर मैं क्वेरी रन कर सकता हूँ गेट ऑल टू डूज एंड मुझे इस टू डूज़ का सिर्फ और सिर्फ टाइटल चाहिए बात समझ रहे हो जो हमने अभी डिस्कस किया था रेस्ट एक में तो सब कुछ आता है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ दैट मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए लेकिन हमारे पास क्या आया नल क्यों बिकॉज हमने यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं लिखा तो लॉजिक हम लिखते हैं रिजॉल्वर के अंदर ठीक है तो वो कैसे लिखना है देखो टू टूडूज को क्या तो यहाँ पे मैं बोलूंगा दैट एक क्वेरी है क्वेरी के अंदर अगर कोई भी यूजर कहता है गेट ऑल टू टूडूस तो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना अभी के लिए अभी के लिए मैं क्या करूंगा मैं एक एरे रिटर्न करूंगा जिसके अंदर मैं मैनुअली आई डाल देता हूँ वन ठीक है मैं एक टाइटल देता हूं, something, 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 something. मैं मैं डाल देता हूँ दैट समथिंग समथिंग ठीक है ध्यान से देखना समथिंग समथिंग एंड मैं यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पर कंप्लीटेड खुद ही डाल देता हूँ फॉल्स ठीक है कंप्लीटेड खुद ही डाल देता हूँ फॉल्स सिर्फ ठीक है दोबारा से सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं तो जब मैं करूँगा गेट ऑल टू डूस मेरे पास एक एरे आया जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइटल है अरे सिर्फ और सिर्फ टाइटल क्यों है अरे बिकॉज मैंने मांगा ही सिर्फ टाइटल है ना तो टाइटल ही तो आएगा ठीक है मैं यहाँ पे कंप्लीटेड भी मांग लेता हूँ तो सिर्फ कंप्लीट तो कंप्लीटेड भी आएगा मैं यहाँ पर आईडी भी मांग लेता हूँ तो आईडी भी आने लग जाएगा बेसिकली जो मैं मांग रहा हूँ मेरे पास वही रिटर्न होकर आ रहा है बहुत बढ़िया लेकिन मैं यहाँ पर हार्ड कोड नहीं करना चाहता मैं चाहता हूँ दैट ये मैं कहाँ से लेकर आऊँ मैं इस ए कॉल से लेके आना चाहता हूँ ठीक है तो एक काम करते हैं मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ ठीक है या फिर हम यहाँ पर डायरेक्टली हम एक काम करते हैं इसके अंदर एक्जियोज ऐड कर लेते हैं ठीक है तो मेक ए पी कॉल्स तो यान ऐड एक्जीओज ठीक है एग्जीओज़ ऐड कर लिया एंड उसके बाद नोड इंडेक्स ठीक है या फिर यहाँ पर हम सिंपल क्या बोलेंगे दैट इसमें हम बोलेंगे एक्जियोज़ ठीक है एगजियोज ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो जाएगा तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं axios. डॉट गेट uh, axios, uh, axios के टाइप डेफिनेशन नहीं है क्या तो एक काम करते हैं यान एट एट द रेट टाइप कैसे यूज होगा डिफॉल्ट अब देखें axios. डॉट uh, ओके okay, तो axios के टाइप्स भी हमें डालने पड़ेंगे यान एट टाइप्स स्लैश ठीक है तो आई थिंक uh, ये हमारे लिए टाइप्स डाल देगा तो चले लग जाएगा ठीक है axios. डॉट गेट ठीक है तो किस यू आर एल को गेट करना है ठीक है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट मुझे इस यू आर एल को गेट करना है ठीक है तो ये हमारा हो गया गेट उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ मैं इस पूरे चीज़ का ठीक है तो मैं इसको क्या करूंगा अवेट ठीक है इस पूरी चीज़ को तो इसको हम बना देते हैं ए सेंक्रनस एंड इन रिटर्न देखना मैं यहाँ पर क्या करूंगा डॉट डेटा को रिटर्न कर दूंगा तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एक ए पी आई कॉल करूँगा टूडूस के ऊपर एंड डेटा को रिटर्न ठीक है तो नोड इंडेक्स डॉट जे एस अब अगर मैं वापस अपने ग्राफिक्यूल सर्वर पर जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे करूँगा गेट ऑल टू टूडूज़ तो मेरे पास सारे टू टूडोज़ आने लग जाएंगे मेरे पास सारे टू डूज़ आ रहे हैं ठीक है लेट अस से दैट मुझे सिर्फ टाइटल चाहिए मुझे अपने टू टूडूज़ का सिर्फ टाइटल चाहिए तो मेरे पास फ्रंट एंड पे सिर्फ और सिर्फ टाइटल्स आ रहे हैं अभी हमने क्या किया हमने ये जो एक्जस्ट कॉल किए ये हमने किस किसी अलग सर्वर पे किए है बट यहाँ पर तुम क्या करोगे यहाँ पर तुम अपना डेटाबेस ऑपरेशन करोगे लाइक डेटाबेस में से कुछ भी जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वगैरह जो भी तुम्हें यहाँ पे करना है ठीक है ठीक है तो यूजुअली यहाँ पर हमारे डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं लेकिन अभी हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं हम जेसन प्लेस होल्डर का यूज़ कर रहे हैं एंड मेन बात यहाँ पर क्या है कि जो भी मैं यहाँ पर मांगता हूँ जिस ऑर्डर में मैं मांगता हूँ उसी ऑर्डर में मेरे पास डेटा आ रहा है ठीक है अब बात करते हैं यूज़र की ठीक है अब यूज़र के लिए कैसे होगा देखो मैं क्या करूँगा ये चीज़ बहुत मस्त है मैं यहाँ पर एक और टाइप बनाऊँगा ठीक है एक अलग टाइप ठीक है टाइप एंड इस टाइप का मैं नाम दे देता हूँ यूज़र ठीक है एंड इस यूज़र का मुझे टाइप भी देना पड़ेगा तो एक काम करते हैं आ, देखो इस यूज़र की एक आईडी है तो ये थोड़ा सा लंबा है तो मैं सारे नहीं लूँगा बट ठीक है तो हम मेन मेन ले लेते ले हैं तो यूज़र की एक आईडी है यूज़र का नेम है जो स्ट्रिंग है एंड यूज़र का कुछ कुछ यूज़र नेम है जो फिर से क्या है स्ट्रिंग है ठीक है तो ये क्या है एक स्ट्रिंग है एंड उसके बाद यूज़र की एक ई भी है ठीक है यूज़र की क्या एक ई भी है स्ट्रिंग ठीक है तो एक काम करते हैं एक यूज़र का हम ले लेते हैं फ़ोन ठीक है तो सब कुछ करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा तो यूज़र का एक फ़ोन है ठीक है एंड उसके बाद यूज़र की एक वेबसाइट भी है तो लेटर से दैट यही हमारे पास चीज़ें हैं जो यूज़र की हमारे पास अवेलेबल हैं ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं देखो एक काम करते हैं अभी टू डू से हट के कुछ करते हैं ठीक है टू डू से हट के मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना सकता हूँ गेट ऑल यूज़र्स जो क्या करेगा यूज़र रिटर्न कर देगा यूज़र का एक एरे ठीक है उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं मैं यहाँ पर इसका एक रिजॉल्वर भी बना देता हूँ तो गेट ऑल यूज़र्स को जब तुम कॉल करोगे तो क्या होगा बेसिकली यही फंक्शन दोबारा से रन करेगा लेकिन इस केस में हम यूज़र्स को रिटर्न करेंगे ठीक है तो इस केस में हम क्या करेंगे यूज़र्स को रिटर्न करेंगे ठीक है अगर मैं अपने सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ एंड अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर कहा गया मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर एक और क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यहाँ पर या फिर मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ गेट ऑल यूज़र्स एंड हर यूज़र का मुझे नेम ला कर दो जब मैं इसको रन करूँगा यू विल सी दैट इसको अगर मैं आ, कलाप्स uh, करता हूँ तो यू कैन सी दैट मेरे पास सारे यूजर्स आ रहे हैं बट पीयूष तुमने तो कहा था दैट हम इसको कंबाइन कर सकते हैं ये तो फिर से अलग अलग दो ई पी कॉल्स हो गए राइट right? ठीक है कोई बात नहीं देखो ध्यान से देखो ठीक है इस चीज़ को ध्यान से समझना यू विल अंडरस्टैंड पहली बात अभी तक हम ये तो सक्सेसफुल कर पाए कि हम सिर्फ उतना ही डेटा ला पा रहे हैं जितना हमें चाहिए ठीक है वो टेफ अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल यूज़र चाहिए जिसकी आई डी टू है तो उस केस में मैं क्या करूँ ठीक है तो उस केस में हम देखो हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट गेट यूज़र बाय आई डी लेट्स या फिर हम बोल सकते हैं गेट यूज़र एंड इस केस में तुम मुझे एक आई डी दे सकते हो विच इज़ ऑफ टाइप आई डी एंड बदले में मैं तुम्हें एक यूज़र दूंगा ठीक है तो अब देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते, है? मैं सकते हैं मैं आप बोल सकता हूँ गेट यूज़र ठीक है सेम फंक्शन ठीक है सेम फंक्शन लेकिन इस केस में क्या है फर्स्ट पैरामीटर तो होता है पेरेंट जिसको तुम अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो सेकेंड पैरामीटर के अंदर तुम्हारे पास ये आई डी अवेलेबल होगी ठीक है एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ तो मैं पर बोल सकता हूँ यूज़र्स स्लैश आई डी तो सिर्फ़ और सिर्फ वो एक यूज़र को फेच करके ये ले आएगा ठीक है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे लेट अस से दैट मुझे ना अगर तुम यहाँ पर सारे यूज़र्स देखोगे तो मुझे क्या चाहिए यूज़र टू का नेम और यूज़र नेम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ़ डूइंग दिस मैं क्या कर सकता हूँ गेट यूज़र जिसकी आई डी है टू ठीक है जिसकी आई डी है टू तो पे मैं बोलता एंड उस यूज़र यूज़र का का मुझे एक तो तो नेम चाहिए सर्च करते हैं तो मेरे पास सिर्फ नेम आ रहा है है ठीक सिर्फ सेकेंड यूजर का नेम आ रहा है एंड इसकी ई भी ले आते हैं ठीक है इसकी हम ई भी ले आते हैं तो ठीक है मतलब कि मैंने देखो क्या किया मैंने एक फंक्शन बनाया जो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है तो यानी कि अब हम देखो यहाँ पर कुछ ऐसा कर सकते हैं ठीक है ठेके? कि गेट ऑल टू डू तो कर लो हर टू डू की ना आईडी ले आओ और हर टू डू का लेट्स uh, से हमें आईडी तो नहीं चाहिए हमें सिर्फ यूज़र का क्या हमें सिर्फ टू डू का टाइटल चाहिए कंप्लीटेड चाहिए एंड मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ इफ़ यू रिमेंबर यूज़र के अंदर एक यूज़र आईडी भी थी ठीक है तो अगर अब मैं उसको ऐड करता हूँ ठीक है अगर मैं यहाँ पर यूज़र आई भी ऐड करता हूँ विच इज़ ऑफ टाइप आई अगेन ठीक है एंड मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ तो तुम एक चीज़ क्या कर सकते हो तुम यहाँ पर यूज़र आई को भी फैच कर सकते हो ठीक है सर्च कर सकते हो एंड फिर मैं क्या कर सकता हूँ मुझे पता है कि इसकी यूज़र आई डी है तो मैं एक डिफरेंट क्वेरी रन कर सकता हूँ ठीक है जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट गेट यूज़र ठीक है गेट यूज़र एंड इस यूज़र का लेट से मुझे सिर्फ नेम चाहिए एंड इस यूज़र की id में यहाँ पे टू पास कर सकता हूँ है ना तो एक सेकेंड इसको हम थोड़ा करेक्ट करते हैं ठीक है तो ये वेरिएबल्स चाह रहे हैं तो इसको मैं समझने की ज़रूरत नहीं है ठीक है एक सेकेंड के लिए तो मैं यहाँ पे इस गेट यूज़र को यहाँ पे डाल सकता हूँ तो अगर मैं इसको रन करूँगा यू विल सी दैट हमारे पास क्या हुआ गेट और टू डूज़ तो आ आए सेकेंड यूज़र जिसके एडिट हुआ है वो आ गया बट स्टिल प्रॉब्लम क्या है दैट हम दो अलग अलग ई पी आई कॉल्स करें तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं ध्यान से देखना हम यहाँ पर बोल सकते हैं दैट यूज़र आईडी तो है ही है यूज़र आईडी की जगह हम यहाँ पर यूज़र को भी फेच कर सकते हैं जिसका टाइप क्या है जिसका टाइप है यूज़र वाओ लेकिन लेकिन ग्राफिकल को पता कैसे लगेगा कौन से टूडो का कौन यूज़र है अरे वो हम ही तो बताएंगे तो देखो हम क्या कर सकते हैं ध्यान से देखना इस चीज़ को मैं यहाँ पर रिजॉल्वर के अंदर क्वेरी के बाहर एक टूडू बनाऊँगा ठीक है टूडू मैंने यहाँ पर टूडू क्यों बनाया बिकॉज इसका टाइप के टू डू ठीक है मैं इसको क्या बोल सकता हूँ दैट अगर टू डू का कोई यूज़र फेच करने का ट्राई करता है अगर कोई भी टू डू फेच करने का ट्राई करता है तो तुम्हें क्या करना है जो भी टू डू तुम फेच कर रहे हो जो भी तुम टू डू फेच कर रहे हो वो टू डू तुम्हारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा ठीक है तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर यूज़र आई भी लिखनी पड़ेगी ठीक है तो लेट से दैट ठीक है तो मेरे पास यहाँ पर टू डू होगा एंड तुम क्या कर सकते हो तुम इसका यूज़र रिटर्न कर सकते हो कैसे अगर मैं इसी कोड को कॉपी करूँ ठीक है अगर मैं इसी कोड को कॉपी करके यहाँ डाल दूँ एंड ठीक है इसको हम ए सिंक कर देते हैं नॉट uh, इसको इसको हम ए सिंक कर देते हैं ठीक है एंड मैं क्या कर सकता हूँ मैं इस टू डू को ठीक है इस टू डू की आईडी ले सकता हूँ ठीक है सेव करते हैं अब अगर मैं अपने सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ तो देखना क्या होगा मुझे यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि भाई देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को ठीक है मैं इसको हटा देता हूँ सिंपल मैंने एक क्वेरी की गेट ऑल टू टूडूज़ मुझे ना टू टूडूज़ का टाइटल चाहिए कंप्लीटर चाहिए और इस टू डू का यूज़र का इस टू डू के यूज़र का मुझे नाम चाहिए ठीक है ध्यान से देख लो मैं क्या कर रहा हूं देखो टाइटल चाहिए कंप्लीटेड चाहिए और इस यूजर का नेम चाहिए सर्च करते हैं तो देखो क्या होगा तो हमारी नेस्टेड क्वेरीज रन होंगी तो इस टू डू को बनाया है इस यूजर ने इस टू डू को बनाया है इस यूजर ने अगर तुम ध्यान से जाके देखते हो तो भाई इस यूजर को किस यूजर ने बनाया जिसकी यूजर आई डी बन है और यूजर आई डी बन किस है लीन इन की है अगर तुम देखोगे अरे हाँ बिल्कुल सही डेटा फेच हो रहा है देख लो इस टू डू का ये यूज़र है टू डू का ये यूज़र है एंड लेटर से मुझे यूज़र की ना ई भी चाहिए एंड मुझे यूज़र का फ़ोन नंबर भी चाहिए भाई जो मांगोगे तुम्हें वो रिटर्न होके आएगा तुम्हारे स्टाइल के अंदर एक एपीआई कॉल के अंदर मुझे जैसा डेटा चाहिए था मैंने वैसा डेटा फेच कर लिया तो बेसिकली मैंने किया क्या देखो थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ ठीक है थोड़ी ब्रॉडर पिक्चर दिखाता हूँ टाइप डेफिनेशन दे दी थी? ठीक है मतलब कि इसको पता है कि यूज़र एक यूज़र है लेकिन इसको रिजॉल्व कैसे करना है उसको ग्राफिकल को थोड़ी ना पता है, तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर टू डू के अंदर कोई भी यूज़र मांगता है ना तुमसे तो क्या करना ये टू डू कहाँ से आ रहा है बेसिकली ये जो पूरा टू डू है ना तो ग्राफ ग्राफिकल कहता है भाई मैं क्या करूँगा मैं ना तेरे को पेरेंट पकड़ा दूंगा मैं तेरे को टू डू पकड़ा दूंगा अब तो उसका यूज़र लेकर ले आ ठीक है तो मैं बोलूँगा कि मैं के पी आई कॉल करूँगा और इस टू डू के आई डी में से मैं इसका पेरेंट निकाल लाऊंगा दैट्स इट ठीक है आने चलने लगा तो ये तो हुआ इसका बैक एंड ठीक है अब इसको फ्रंट एंड पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं बहुत इजी है ठीक है तो वो मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ ठीक है तो मैं तुम्हें रिएक्ट में करके दिखा देता हूँ ठीक है तो मतलब तरीका सेम ही रहता है ठीक है तो यहाँ पर हम करते हैं कंट्रोल सी तो सी डी डॉट डॉट एंड सी डी इन द क्लाइंट तो यहाँ पर हम कर सकते हैं यान क्रिएट रिएक्ट ऐप ठीक है तो एंटर करते हैं रिएक्ट ऐप हमें बनाना है तो यहाँ पर कुछ तो एरर आया एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड मैंने कुछ ख़राब कर दिया तो टर्मिनल के अंदर हमारे पास कुछ एरर आ गया ठीक है तो ये बोल रहा है दैट ओके क्रिएट रिएक्ट रियक्टाप डॉट लिखना था तो ये हमारा एक रिएक्ट रिएक्टाप बना देगा ठीक है तो एक वेट करता है हमारा रिएक्ट रिएक्टाप बन रहा है तो उसके लिए देखो हमें क्या करना है हमें अपोलो सर्वर की जगह हम अपोलो क्लाइंट का यूज़ करेंगे ठीक है अपोलो क्लाइंट का तो इंट्रोडक्शन टू अपोलो क्लाइंट गेट स्टार्टेड एंड इसके अंदर हमें देखो क्या करना है हमें इन दो चीज़ों को इंस्टॉल करना होता है क्लाइंट के ऊपर ठीक है तो ठीक है तो एक सेकेंड इसको इस, आ, मतलब हमारे क्लाइंट फोल्डर को बन लेने देते हैं इट टेक्स अ लिटल बिट ऑफ टाइम बट आई होप दैट तुम्हें ये चीज़ बहुत मस्त लग रही होगी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी ठीक है तो एक सेकेंड हम अपने क्लाइंट पे भी इसको इंप्लीमेंट करते हैं बहुत बढ़िया है, बन गया तो अब कहते हैं यान एड अपोलो क्लाइंट एंड ग्राफ ग्राफक् ठीक है तो ये दो चीज़ें हमें ऐड करनी है हमारे क्लाइंट के ऊपर ठीक है सो यू विल सी दैट ये हमारा हो गया बहुत जल्दी हो जाएगा डन ठीक है अब हमें क्या करना है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है नथिंग एल्स ठीक है तो हमें क्या करना है हमें बस इन चीज़ों को इम्पोर्ट करना है ठीक है तो बहुत बहुत ईजी है बहुत ज़्यादा ईज़ी तो एक काम करते हैं साथ साथ में हम इसको यान स्टार्ट भी कर लेते हैं यान स्टार्ट एंटर तो यान स्टार्ट करते क्या होगा मेरा जो रिएक्ट का सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो रिएक्ट का सर्वर स्टार्ट तो हुआ ठीक है तो अब हमें तो देखो क्या करना है हमें यहाँ पर करना है इंस्टॉल हमने कर लिया सॉरी ये तो सर्वर है इसको बंद कर लेते हैं नहीं तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा एंड इसको भी बंद कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें इस क्लाइंट को यूज़ करना है ठीक है तो क्लाइंट को यूज़ करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना है इस क्लाइंट पहले क्लाइंट बना लेते हैं ठीक है तो मैं तुम्हें ऐप डॉट जी एस के अंदर बना के दिखाता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इम्पोर्ट ठीक है इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम फ्रॉम अभी तो हमने इम्पोर्ट किया अपोलो क्लाइंट इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं अपोलो क्लाइंट ले आएंगे ठीक है तो यहाँ पर हम एक क्लाइंट बना लेते हैं कॉन्स्ट क्लाइंट इज इक्वल्स टू न्यू अपोलो क्लाइंट बन गया इसके अंदर हमें ऑप्शन में क्या क्या देना होता है ठीक है इसके अंदर हम अपना एक तो यू आर आई देंगे यू आर आई किस हमारे बैक एंड का हमारा बैक एंड कहाँ रन कर रहा है एच सी टी पी स्लैश स्लैश लोकल लोकल होस्ट एंड उसके बाद एट थाउजेंड के ऊपर रन कर रहा है राइट right? यहीं पे तो रन कर रहा है एंड स्लैश ग्राफ क्यूल्व ठीक है उसके बाद कैश दे देते हैं कि हमें मतलब चीज़ों को कैश कहाँ पर करना है इन मेमरी कैश ठीक है तो इन मेमरी कैश हम यहाँ पर दे देते हैं दैट्स इट अब देखो हम क्या करेंगे ठीक है अब हम अपनी क्वेरी लिख लेते हैं पहले ठीक है तो हम यहाँ पर ना क्वेरी लिख लेते हैं कॉन्स्ट क्वेरी ठीक है तो क्वेरी एक क्या है स्ट्रिंग ही तो होता है क्वेरी कुछ नहीं होता क्वेरी एक स्ट्रिंग होता है ठीक है तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे हमने एक क्वेरी लिखनी है तो क्वेरी कैसे लिखनी है पहले हमें मैंशन करना है कि हम एक क्वेरी लिख रहे हैं ठीक है गेट टू डूज कुछ भी क्वेरी का नाम कुछ भी ठीक है उसके बाद गेट टू डूज के लिए हमें बस ये क्वेरी को कॉपी कर लेना है ठीक है क्वेरी को कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट देखो मैं क्या कर रहा हूँ गेट टू डूज ये गेट टू डूज कहाँ से आ रहा है देखो ये तो एक कुछ भी एक फ्रेंडली नेम है इसको इग्नोर करो गेट टू डूज कहाँ से आ रहा है क्योंकि हमारे बैक एंड के अंदर इसका नाम के गेट टू डूस ठीक है उसके अंदर मुझे टाइटल और कंप्लीटेड चाहिए यूज़र का मुझे नेम चाहिए दैट्स इट यूज़र का मुझे बस नेम ही चाहिए दैट्स इट क्वेरी बन गई अब हमें क्या करना है इस क्वेरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है कैसे करना है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ठीक है तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्लाइंट डॉट क्वेरी इसके अंदर हम अपनी क्वेरी पास कर देंगे ठीक है जी के साथ एंड दैट्स इट ठीक है तो मैं तुम्हें तो करके दिखाता हूँ तुम इसको इस तरह से भी कर सकते हो ठीक है अपोलो प्रोवाइडर के साथ भी कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक काम करके दिखाता हूँ लेट से एक बार के लिए हम इसको रिमूव कर देते हैं ठीक है इसको कट करो ठीक है क्लाइंट को कट करो एंड अपने इंडेक्स ऑट जी पे जाके इसको इम्पोर्ट कर लो ठीक है एंड सिमिलरली इसको भी हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर एक चीज़ को इम्पोर्ट करूँगा अपोलो प्रोवाइडर ठीक है अपोलो प्रोवाइडर एंड मैं अपने पूरे एप्लीकेशन को अपोलो प्रोवाइडर के अंदर रैप कर दूँगा ठीक है एंड इसके अंदर मैं क्या कूँगा क्लाइंट एंड ये मेरा क्लाइंट बन गया बहुत बढ़िया अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ आप डॉट जेस के अंदर इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम अपोलो अपोलो क्लाइंट एंड इसके अंदर हमारे पास होता है यूज क्वेरी ठीक है तो एक हुक है ठीक है तो यू कैन सी दैट एक हुक है यूज क्वेरी तो यूज क्वेरी को यूज़ करके वॉट वी कैन डू इज यूज़ क्वेरी को यूज़ करके तो इन्होंने कहाँ पे दिखाया तो यूज क्वेरी उसके अंदर हमें अपनी क्वेरी देनी है ठीक है तो एक काम करते हैं यहाँ पर हम अपने अपने क्वेरी लिख लेते हैं सो कॉस्ट क्वेरी इक्वल्स जी क्यू एल ठीक है तो तुम जी क्यू एल का भी यूज़ कर सकते हो तुम इसको एज अ सिंपल स्ट्रिंग भी दे सकते हो तो इसके अंदर मैं लिखूँगा अपनी क्वेरी ठीक है तो यहाँ पे आ, तो यहाँ पे क्वेरी देखो किस तरह से लिखनी है क्वेरी ठीक है गेट टू डूज विद यूज़र कुछ भी एक फ्रेंडली नेम ठीक है इसके अंदर हमें क्या करना है हमें एक क्वेरी करनी है ठीक है इसके अंदर हमें क्या हमें क्वेरी नहीं करनी इसके अंदर हमें ये कॉपी करना है तो हमारे ऑपरेशन का नेम के गेट टू डूज ठीक है मुझे टू टूडोस का टाइटल चाहिए मुझे जानना है कि वो टू डू कम्प्लीटेड है या नहीं है और मुझे उस टू डू का यूज़र चाहिए यूज़र का मुझे क्या चाहिए यूज़र की मुझे आईडी चाहिए लेट्स से और मुझे यूज़र का नेम चाहिए और एक काम करते हैं टू टूडोस की भी हम आईडी ले आते हैं दैट्स इट मुझे बस इतना ही डेटा चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कॉन्स्ट देखो ध्यान से कॉन्ट समथिंग एक यूज क्वेरी और इसके अंदर हम अपनी एक क्वेरी पास कर देंगे ठीक है तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर हमारे पास एक तो डेटा आएगा एक्चुअल डेटा जो फेच हो रहा है और इसके अंदर एक आता है लोडिंग जब तक ये डेटा लोड हो रहा है अब देखो हम क्या कर सकते हैं ठीक है थीके? अब हम इस पूरे कोड को हटा देते हैं तो मैं क्या बोलूँगा दैट अगर तो लोडिंग है ठीक है इफ इफ लोडिंग तो तब तक हम क्या कर सकते हैं एक एच वन के अंदर हम एक लोडिंग स्टेट दिखा सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे तुम एक स्पिनर भी लगा सकते हो और अगर हमारा डेटा आ जाता है तो हम अभी के लिए जेसन डॉट श्रिंगीफाई करके डेटा दिखा देते हैं कुछ यू नहीं है कोई कुछ नहीं है तो अगर मैं अपने बैक रिफ़्रेश uh, करता हूँ यहाँ पर एंड इसको हम करते हैं इंस्पेक्ट ठीक है तो कुछ एरर तो नहीं आया अगर मैं नेटवर्क टैब में जाता हूँ एंटर तो हमारा आ गया फेल टू फेच क्यों आया फेल टू फेच तो हमारे पास कुछ एरर आया तो एरर हमें कहाँ दिखेगा हाँ हमें एरर पता क्यों आया बिकॉज हमारा बैक एंड रन ही नहीं कर रहा है ठीक है तो एक और सर्वर बनाते हैं तो मतलब एक और टर्मिनल बनाते हैं तो सी डी डॉट डॉट सी डी सर्वर एंड यहाँ पर हमें करना है नोट इंडेक्स डॉट ठीक है अब चल जाएगा तो रिफ़्रेश करो तो लोडिंग देखो यहाँ से लोडिंग एंड उसके बाद डेटा आ गया तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे डेटा तो हमारे पास एरर आ गया फोर ओ फोर का ओके क्यों आया आ, एक एरर आया फोर ओ फोर का ठीक है इसको बाद में देखते हैं बट यू कैन सी दैट हमारे पास डेटा तो आ रहा है यूज़र uh, भी आ रहा है ठीक है तो कुछ ऐसी की uh, होगी जो हमने दे दी लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है तो एक काम करते हैं तो यू कैन सी दैट हमारी इस क्वेरी के अंदर हम आईडी दे रहे हैं हम नेम दे रहे हैं राइट एक काम करते हैं इस क्वेरी को ना मैं पहले अपने ब्राउजर के अंदर रन करके देखता हूँ कॉपी एंड इसको हम यहाँ पर करते हैं पेस्ट एंड रन तो यहाँ पर तो सही चल रहा है ना तो यस यहाँ पर तो बिल्कुल सही चल रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक फोर फोर आता है ठीक है फिफ्टी में एरर आता है क्यों uh, मैं तुम्हें बताता हूँ वो क्यों एरर आता है उसका रीजन क्या है बिकॉज ना रेट लिमिटिंग हिट हो जाती है बिकॉज अभी क्या है ना हम डेटा कहाँ से फिच कर रहे हैं एक थर्ड पार्टी सर्वर से फच कर रहे हैं एंड हम क्या करते हैं बहुत रेपिडेडली कॉल्स कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है हमारा जो सर्वर है वो हमें एक लिमिटेड डेटा ही दे रहा है ठीक है बट इट्स ओके ठीक है इट्स ओके मतलब अभी के लिए हम उसको इग्नोर कर लेते हैं करना नहीं चाहिए बिकॉज प्रोडक्शन पे तो ये डेटा कहाँ से आएगा हमारे डेटा बेस में से आएगा ठीक है तो ये जो डेटा आ रहा है इसको मैं क्या करना चाहता हूँ अभी के लिए कंसोल डॉट लॉक करके तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉक डेटा तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अनकनसोल्ड तो डेटा आ रहा है अनडिफाइंड ओके okay, तो डेटा अनडिफाइंड क्यों आ रहा है uh, तो इस चीज़ को डीबक करते हैं दैट हमारा जो डेटा है ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर एरर डेटा एक्चुअली हमारे पास एरर्स आ रहे हैं दैट्स सॉ डेटा इज कमिंग टू भी अनडिफाइंड ठीक है इस चीज़ को कैसे रिजोल्व करें मतलब बिकॉज़ क्या है रेपिटेटेडली बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं करेक्ट क्या हर टू डू के ऊपर आई है ना यूज़र आई बिकॉज मुझे क्या लग रहा है दैट कुछ कुछ स्टूडियोज़ के ऊपर यूज़र आई ही नहीं होगा या फिर उसका यूज़र नहीं होगा कुछ इस तरीके का एरर है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है आई सपोज दैट ठीक है तो यहाँ तक तो ये ठीक है एंड अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ठीक है तो ये तो बहुत बढ़िया है तो अगर हम यूज़र्स को देखते हैं ठीक है स्लैश यूज़र्स ठीक है तो यूज़र्स के अंदर क्या चल रहा है यूज़र्स uh, के अंदर बहुत कुछ है तो यूज़र्स भी हमारे पास सारे हैं ही हैं ठीक है थीके? तो एक बार चेक करते हैं ये एरर क्यों आ रहा है इंटरनल सर्वर एरर रिक्वेस्ट फिल्ड विद स्टेटस कोड फोर ओ फोर ठीक है तो रिक्वेस्ट स्टेटस फोर ओ फोर आ रहा है तो आई एम श्योर यार ये ना रेट लिमिटिंग हो रहा है ठीक है ये ना रेट लिमिटिंग हिट हो रहा है यहाँ पर तो दिस इज़ द इशू तो इसको मतलब किस तरह से रिजॉल्व करें या तो एक काम करते हैं अभी के लिए हम यूज़र का जो इन्फॉर्मेशन है वो right? तो हार्ड तो कोड कर लेते हैं ठीक है बिकॉज यू गॉट द पॉइंट राइट तो लेटर से दैट हमारे पास ना यहाँ पर यूज़र है तो इसको कॉपी कर लेते हैं तो मैं क्या करूँगा मैं सारी चीज़ को कॉपी कर लूँगा देखना यहाँ से बिकॉज मैं मैं नहीं चाहता दैट मैं ए कॉल्स करूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ इस पूरे को कॉपी वॉट आई विल डू इज़ मैं यहाँ पर ना एक यूज़र डॉट जे एस फाइल बना लेता या यूज़र डॉट हाँ जे एस फाइल बना लेता हूँ सो कॉन्स्ट तो तुम कह सकते हो दैट ये ना एक तरह का हमारा फेक डेटा बेस है ठीक है तो ये डेटा बेस बन गया सिमिलरली मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ टू डू डॉट जे एस ठीक है टू डू डॉट जे एस एंड सिमेजॉली में टूडूस को भी कॉपी कर लेता हूँ फिर मेरे पास ना कुछ दिक्कत नहीं रहेगी कि मैं बार बार यहीं पे कॉल कर रहा हूँ ठीक है तो इसको हम कर लेते हैं पूरा का पूरा नीचे तक कॉपी ठीक तो है, है तो कुछ ज़्यादा नहीं है ट्वेंटी थर्टी एंट्रीज ही हैं तो ठीक है कर सकते हैं तो ये हमने कर लिया कापी एंड इसको मैं बोलूँगा कॉस्ट टू डूज एक ठीक है पेस्ट अब हमें बेसिकली करना क्या है दैट इन सर्वर के अंदर इनको पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं कॉस्ट यूज uh, इसको हमने एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं है ना एक्सपोर्ट नहीं ना किया तो एक्सपोर्ट्स ठीक है एक्सपोर्ट्स डॉट कर देते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट यूजर्स ठीक है सिमिलरली यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा ऊपर जाके एक्सपोर्ट्स डॉट टू टूडोस ठीक है तो इसको मैं बोलूंगा कॉस्ट समथिंग इक्वल्स रिक्वायर डॉट स्लैश यूजर एंड यहाँ पर डॉट स्लैश क्या आएगा यहाँ पर आएगा टू डू एंड इसके अंदर आएगा यूजर्स इसके अंदर आएगा टू टूडोज तो हम अपना थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर देते हैं देखो गेट ऑल टू टूडूज़ के अंदर हम क्या करेंगे बस रिटर्न कर देते हैं सिंपली ठीक है सिंपली रिटर्न कर दो जितने भी तुम्हारे टू टूडूज़ हैं ठीक है गेट ऑल यूज़र्स के अंदर सिंपली क्या करो सिंपली रिटर्न कर दो जितने भी हमारे यूज़र्स हैं एंड गेट अ यूज़र के गेट यूज़र बाई आई डी है ना तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं यूज़र डॉट फाइंड ठीक है डॉट फाइंड ई जहाँ पर ई डॉट आई डी इक्वल्स इक्वल्स इक्ल टू आई डी तो यानी कि लीनियर सर्च ठीक है तो हमने क्या किया ए पी आई कॉल्स को ख़त्म कर रहे हैं सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे इस चीज़ को कर लेते हैं कॉपी एंड इसी चीज़ को मैं यहाँ पर भी कर दूंगा पेस्ट तो ए संक्रोनस हटा दो एंड यहाँ पर ये यह कर दो पेस्ट ठीक है दैट्स इट तो अभी एक बार सर्वर को रिस्टार्ट करके चला के देख लेते हैं दैट कोई एरर तो नहीं आ रहा ना अब तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ गेट ऑल टू टूडूज़ तो हमारी स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंड अब इस केस में हमारे पास एरर नहीं आना आई डी इज नॉट डिफाइंड अच्छा देखो वही रीज़न था कहीं ना कहीं आई डी मिसिंग है ठीक है तो अगर तुम अपने टू डूज में देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आई होगा नहीं नीचे मतलब मे भी हो सकता है कहीं ना कहीं नहीं होगा यहाँ पर टू डू डॉट आई आएगा सॉरी माई बैट ठीक है यहाँ पर टू डू डॉट आई आएगा ठीक है तो दोबारा से इसको रिस्टार्ट करते हैं ठीक है एंड अब अगर मैं करता हूँ गेट ऑल टू डूज तो एवरी थिंग इज़ वर्किंग गुड एंड एरर नहीं आ रहा गुड अगर मैं अपने फ्रंट एंड पे भी अब जाके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी दैट डेटा हमारा आ रहा है एंड कोई भी एरर नहीं आ रहा ठीक है एंड डेटा हमारा क्या आ रहा है गेट ऑल टू डूज जिसके अंदर हमारे सारे टू डूज हैं ठीक है अब हमें बस उसको रेंडर ही तो करना है तो ऐप डॉट जी के अंदर हमें क्या करना है इसको हटा दो एंड इस सी फाइल को भी हटा दो ये सेंटर कर करिए डेटा को तो देखो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पर एक टेबल बना सकता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर एक टेबल बना सकता हूँ तो डायनामिकली तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे एक टेबल ठीक है टेबल के अंदर हम टी बॉडी से स्टार्ट कर लेना डायरेक्टली ठीक है टी बॉडी के अंदर देखो हमें क्या करना है हमें इस डेटा तो मैं आप बोलूँगा डेटा डॉट गेट ऑल टू डूज ठीक है गेट टू डूज ठीक है गेट टू डूज ठीक है इसके ऊपर डॉट मैप फॉर ईच टू डू ठीक है फॉर हर टू डू के लिए हम क्या करेंगे टेबल रो बनाएंगे टेबल रो के अंदर एक टी डी बना लेते हैं टी डी के अंदर हम बेसिकली हमारे क्या था हम पहले चाहते हैं दैट उसका टाइटल क्या है ठीक है तो टाइटल क्या होने वाला है टू डू डॉट टाइटल ठीक है तो यहाँ से देखो टू डू का क्या आ रहा है टाइटल आ रहा है और टू डू के यूज़र का नेम डालना है ठीक है किसने वो बनाया था तो टी डी डॉट यूज़र डॉट नेम ठीक है तो हम यहाँ से नेम ले रहे हैं ठीक है एंड यहाँ पर हमें की भी दे देते हैं तो की क्या होने वाला है टू डू डॉट आई डी ठीक है और इसको हम कर लेते हैं सेफ तो अगर मैं अपना सर्वर देखता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है एरर तो वो कह रहा है टू डू डॉट यूज़र डॉट नेम नहीं है ठीक है टू डू डॉट यूज़र डॉट नेम नहीं आ रहा क्यों आ, एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं दैट ये आया ठीक है टू डू टू डू के अंदर आ रहा है यूज़र यूज़र का डॉट नेम आ तो रहा है कहाँ एरर आ रहा है वो बोल रहा है दैट इसको एक काम करते हैं क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं ठीक है कहीं ना कहीं हो सकता है मिसिंग कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो अब हमारा ये टेबल आ रहा है ठीक है यू कैन सी दैट इस टूडू को इस यूजर ने बनाया इस टूडो को इस यूजर ने बनाया अच्छा वो इसलिए अर रहे थे देखो ये यूजर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते ठीक है इतने सारे यूजर्स हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते बट ठीक है मतलब दैट इज समथिंग फ्रॉम जेसन प्लेस होल्डर बट यू गॉट दी पॉइंट किस तरह से हम डेटा को फिच कर रहे हैं ठीक है तो बेसिकली क्या हो रहा है दैट जो मैं मांग रहा हूँ मेरे को वही डेटा मिल रहा है ठीक है एंड दिस इज ग्राफ क्यूवेल ठीक है तो बेसिकली इस चीज़ को कहा जाता है ग्राफ क्यूएल तो इसका कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है इसका लिंक तो एक बार मैं तुम्हें दोबारा से दिखाता हूँ तो एक कोड का एक ओवरव्यू देखो दैट किस तरह से काम करता है ठीक है ज़्यादा छोटा हो गया तो इसको डिलीट इसको भी डिलीट तो बेसिकली तुम अपने ग्राफ क्यूएल सर्वर को बताते हो दैट क्या क्या फिच हो सकता है फिर तुम उसके लॉजिक रिजॉल्वर्स में लिखते हो एंड उसके बाद हम क्या करते हैं हम उसको रन करते हैं अब एक चीज़ अगर तुम्हें ग्राफ क्यूएल पसंद आया देखो ग्राफ क्यूएल छोटी चीज़ नहीं है कंपनीज़ लाइक फेसबुक स्पेस एक्स ट्विटर लिए यूज़ करते हैं ठीक है एंड अगर तुम्हें ग्राफ केल पसंद आया एंड तुम ग्राफ क्यूल के साथ एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो सो वट यू कैन डू इज तुम लर्न लर्न डॉट पीयूष डॉट डेव के ऊपर जा सकते हो ठीक है इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो ये भी ग्राफ क्यूल के ऊपर ही चल रही है ठीक है तो अगर तुम देखना चाहते हो ठीक है तुम थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो यू कैन सी दैट अगर तुम नेटवर्क टैब में जाओगे ठीक है तो एंटर करते हो तो यू कैन सी दैट अगर मैं यहाँ पर फिच देखता हूँ ठीक है तो कोई भी एक फेच लगा लेते हैं तो यू कैन सी दैट क्या पे लोड जाता है ठीक है तो ये ऑपरेशन जाता है एंड किस तरह का पे लोड आता है ठीक है तो इसके अंदर एक एक कोर्स है दैट इज़ ऑन ट्विटर क्लोन ठीक है तो ये जो ट्विटर क्लोन है पूरा एक फुल स्टार्ट ट्विटर क्लोन ये इस टेक्स टैक् पे बनाया जाता है ठीक है जिसके अंदर हम ग्राफ क्यूएल को यूज़ करते हैं बैक एंड पे एंड फ्रंट एंड पे हम नेक्स्ट चेज़ को यूज़ करते हैं तो अगर तुम्हें ग्राफ क्यूएल इंटरेस्टिंग लग रहा है तो तुम इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो ठीक है एंड इस कोर्स के ऊपर तुम्हें ट्वेंटी का ऑफ मिल जाएगा अगर तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वट यू कैन डू इज़ तुम इस इस कोर्स को चेकआउट करो तुम ग्राफ क्यूएल को यूज़ करके एक फुल स्टाक एप्लीकेशन बना सकते हो ठीक है तो इसमें पोस्ट के डेटा बेसिस होता है तो पूरा प्रोडक्शन रेडी विद डिप्लॉयमेंट विद ए डब्ल्यू एस ये एप्लीकेशन है तो इसको तुम चेकआउट कर सकते हो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो दैट सॉल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन बाय टेक केयर